नमस्कार, मैं डॉक्टर रावताराम बाड़मेर। किसान भाइयों, आपको जो ये फसल दिखाई दे रही है, ये ढैंचा है। यह ढैंचा को हरी खाद के रूप से भी जानते हैं। किसान भाइयों, अपने जो ज़मीन है उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अपन जो अपना मानसून सीजन है, बारिश सीजन से पहले है, ढैंचा घास है वो आप लगा सकते हैं। ढैंचा है, इसका जो बीज आता है और एक हेक्टर के अंदर लगभग एक बीघा जो ज़मीन है 4 से 5 किलो और एक हेक्टर में 15 से 20 किलो ढैंचा का बीज लगाया जाता है। उसको लगाने के बाद ढैंचा की फसल लग जाती है बारिश सीजन से पहले, और उसके लगभग 40 या 45 दिन बाद इसको रोटावेटर से देखे, जब ये आप देख रहे हो इसकी इतनी हाइट आ गई है। इस हाइट के बाद आप किसान भाई रोटावेटर से अपनी ज़मीन के अंदर मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो खाद है वो अच्छी होती है, और जीरा है, इसबगोल है, अरंडी है, उसके अंदर उत्पादन भी है वो अच्छा होता है। क्योंकि अपन जो नॉर्मली गोबर खाद डालते हैं, उस खाद का अपने खेत के अंदर डालते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, और अगर हरी खाद के रूप में ढैंचा अपन लगाना चाहें और उसका अपन उपयोग करेंगे तो उसका अपन को कम लागत के अंदर अच्छी अपन को मैन्योर खाद भी मिल जाएगी, और जीरा, इसबगोल, अरंडी, इसके अंदर उत्पादन भी अच्छा होता है। क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं और वो ज़मीन के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं। और इस प्रकार से किसान भाइयों, अपने बाड़मेर ज़िले के अंदर कई किसानों ने, गुड़ामालानी है, दोरिमना है, सेड़वा के अंदर कई किसानों ने ढैंचा घास लगाया है, और इसके परिणाम भी अगली बार बहुत ही अच्छे शानदार मिलेंगे। इसलिए किसान भाइयों, आपको भी अपने खेतों के अंदर ढैंचा बीज है उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।